हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी सा क्लीनअप, जो कि आप बहुत ही कम चीज़ों के साथ कर सकते हैं घर पर ही, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्क्रब तैयार कर लेते हैं। स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे क्रश शुगर ले रही हूँ और उसके बाद उसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल एक चम्मच। इसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूँगी। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, जेल बेस स्क्रब आपका तैयार हो गया है। उसके बाद में हम प्रिपेयर करेंगे हमारा फेस मास्क, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर बेसन, हल्दी एंड उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें एलोवेरा जेल। उसके बाद हम मिक्स करेंगे, लेकिन हमें इसमें गुलाब जल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जी हाँ, हम गुलाब जल भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये देखिए, अब इसे मिक्स करने के बाद में ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसे ऐसे ही रखना है। तो चलिए अब मैं इसे अप्लाई करके बताती हूँ आपको कि इसे किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले आपको करना है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, जो कि मैं अपनी कॉटन पर ले रही हूँ, और इससे अपने पूरे फेस को मैं क्लीन कर लूँगी। आपको अपने नेक पे भी क्लीन करना है, फॉरहेड पर, हर जगह पर, अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से क्लीन अप करना है इससे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्क्रब। तो स्क्रब करने के लिए हमने जो स्क्रब तैयार किया हुआ था उसे हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे पहले, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से करना है। उसके बाद आपको बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स। सर्कुलर मोशन में अपने चिक्स पर, अपने फॉरहेड पर, जहाँ जहाँ भी आपकी डेड स्किन है, अपने नेक पर, अपने नोज़ के पास में, हर एरिया पे आपके फेस को कवर करना है एंड देन वॉश कर लेना है। ये देखिए, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी जेल। इसमें डालूँगी मैं विटामिन ई की कैप्सूल। इसे हम एक क्रीम कंसिस्टेंसी में लेकर आएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसे अपने फेस पे अप्लाई करके मैं थोड़ी देर मसाज करूँगी। थोड़ी देर बोले तो 2 से 3 मिनट। कुछ देर मसाज करने के बाद आपको ये थोड़ा सा स्टिकी सा लगेगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल अपने हाथों में लेना है और फिर उसके बाद में आपको फिर से कुछ देर मसाज करना है, जब तक ये वापस से स्टिकी नहीं हो जाए। उसके बाद आपको इसे धोना नहीं है, डायरेक्टली अपना फेस मास्क अप्लाई करना है आपको। अपने फेस मास्क को आपको 10 मिनट्स रखना है, या फिर जब तक वो ड्राई हो जाए तब तक रखना है। ये देखिए, मेरा मास्क जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इसे मैं रब करते हुए निकालूंगी। अपने हाथ को वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो काफ़ी खिंचाव होगा आपके चेहरे पर, जो कि नहीं होना चाहिए। आप अपने हाथों को वेट करेंगे तो ये इजीली निकलेगा। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से ये आ रहा है। इसके बाद आप फेस को वॉश कर लीजिए। ये देखिए, आप मेरे फेस पे ब्राइटनेस महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए एंड देन आपके जो भी हफ्ते भर की टैनिंग है वो सब कुछ एक बार में ही हो जाएगी, छूम अंतर। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।